सोलन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने एक साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि समूचा प्रदेश कोरोना संकट से गुजर रहा है और प्रदेश के मुखिया स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा बढ़ाने के बजाय कम करने में लगे हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता का क्या होगा, उन्हें अच्छी और बेहतर सुविधाएं गांव-गांव कैसे मिलेंगी, ये भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की सरकारें कोरोना से निपटने के लिए अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री जो स्थापित स्वास्थ्य केंद्र थे उन्हें भी समाप्त करने में तुले हैं, जो कि बेहद गलत है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना काल में भाजपा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना चाह रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदेश में चल रही 17 PHC को बंद करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से कई पंचायतें PHC की सेवाओं से महरूम हो जाएंगी। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र की PHC भी इसी सूची में है, लेकिन वे इस आदेशों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे प्रदेश की जनता के साथ हैं या मुख्यमंत्री के आदेशों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है उसके कारण वे उपहास का कारण बन रहे हैं। मुख्य जो मुद्दा रहा है वो पूरा प्रदेश और देश कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय में स्वास्थ्य सेवाओं की मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश को आवश्यकता है, और पूरे प्रदेश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और एक और हमारे मुख्यमंत्री जी वो किस तरह के फैसले ले रहे हैं कि 17 उन्होंने जो कांग्रेस कार्यकाल के जो 17 PHC थे उनको रद्द करने की नोटिफिकेशन जारी कर, मैं समझता हूँ उसका माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव झलकता है कि उनको कितना अनुभव है। इस तरह के जो अलोकतांत्रिक फैसले हैं वो क्या अभी लेने थे? पूरा प्रदेश जो है कोरोना से जूझ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये फैसला जो है ये पूरे प्रदेश में उपहास का विषय बना हुआ है। माननीय यहाँ से हमारे सैजल जी जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को लोगों को बताना चाहिए कि इस मुद्दे पे क्या वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, जो दो जिला की हमारी भी यहाँ की सोलन कंस्टिट्यूंसी अर्की कंस्टिट्यूंसी की भी एक एक जो है वो PHC रद्द हुई है। तो माननीय मंत्री जी को लोगों के बीच स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या इस मुद्दे पे वो जो ये बंद हुई हैं क्या वो माननीय मुख्यमंत्री के फैसले के साथ हैं,